बहुत स्वागत करते हैं आज कविवार में। हमारे बीच में जिनके नाम में ही ठहाका है, ऐसे ठहाका श्री अनिल वाके जी हैं जो हास्य व्यंग की कविताएं करते हैं, हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे बीच में आदरणीय श्री कमलेश मृदु मौर्य जी हैं जो हिंदी कविता के एक बड़े नाम हैं, हिंदी कविता के मंचों के बड़े नाम हैं। मैं चाहता हूँ जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करें। हमारे बीच में हास्य कविता का एक नया नाम जो प्रतिगीत के माध्यम से सामाजिक विषयों पर और राजनीतिक विषयों पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं देता है, ऐसा उत्कर्ष उत्तम हमारे बीच में, मैं चाहता हूं उनका हम जोरदार स्वागत करें। तो आइए दोस्तों, हम कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले हम चाहते हैं कि जो लखनऊ से आज हमारे बीच में संदीप अनुरागी जी हैं, हम उनसे कुछ उनकी हास्य की कविताएं सुनते हैं। भैया संदीप अनुरागी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको प्रणाम करता हूं और चार पंक्तियां सभी दर्शकों के नाम करता हूं। स्वागत है। आज कविवार में पधारे जितने भी कवि, वंदन है बार बार देखना न भूलिए। और विविध विधा में कविताओं का प्रसारण है, आपका मिलेगा प्यार देखना न भूलिए। वाह वाह। तो आप सबसे निवेदन इतना है अनुरागी, आप सबसे निवेदन इतना है अनुरागी, कार्यक्रम जोरदार देखना न भूलिए। ओ भारत समाचार पे धमाकेदार कविवार, शनिवार रविवार देखना न भूलिए। जिंदाबाद संदीप भैया, क्या चार पंक्तियां पढ़ता हूँ, आप सबका आशीर्वाद चाहता हूँ। स्वागत है। इन नेत्रदान शिविर लगा हुआ था एक बार, नेत्रदान सबसे पहले हम चाहते हैं कि जो लखनऊ से आज हमारे बीच में, और वही आंख फिर एक अंधे के लगाई गई, डॉक्टर जो कि एक सफल विजेता है। और कुछ देर बाद होश में आया मरीज, जब डॉक्टर फिर उसकी परीक्षा लेता है, और सर्जन ने कहा दिखाई दिया बोला है मरीज, कुर्सी के अलावा कुछ दिखाई नहीं। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। एक बार एक अंग्रेज जंगल गया शिकार करने के लिए, शिकार करते करते काफी देर हुई, तब चार पंक्तियां देखेगा। स्वागत। एक अंग्रेज गया जंगल शिकार है, तो दिल ने कहा भूख का उपाय कर लीजिए। और जंगल से खूब दूर गांव गया रामू घर, बोला मेरे भूख लगी कुछ तो पसीजिए। अच्छा। तो रामू बाजरे की रोटी पर सब्जी रख कर लड़के से कहा कि तुरंत इसे दीजिए। और अंग्रेज सब्जी खाया, रोटी को घुमाया और बोला यह अपनी प्लेट। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। और एक घटना और देखिएगा जी। एक दिन लल्लू गए सेविंग कराने है, तू नाई था प्रसन्न चित खूब हर्षाया है। और नमस्कार होने के तुरंत बाद कुर्सी पे लल्लू को बिठाया और लोशन लगाया है। तो उसी समय लल्लू जी ने नाई से सवाल किया, क्या तुमने कभी गधे की हजामत बनाया है? और अच्छा। मुस्करा के नाई ने जवाब दिया लल्लू जी को, नहीं सर, कारवाज पहला मौका आया। क्या बात है, वाह वाह। और वो नाम के लल्लू हैं लेकिन कितने होशियार आदमी हैं, तब चार पंक्तियां देखेगा। स्वागत। कि एक कि लल्लू ने कहा कि मैडम शरबत बनाना नींबू है नहीं, बताना होशियार डाल दीजिए। और अनुरागी आए इन्हें शरबत पिलाया जाए, कोमलिए हाथों का वो प्यार डाल दीजिए। तो बोल पड़ी भाभी नींबू लाए ना बाजार से हो, कहते क्या खाक बार बार डाल दीजिए। और लल्लू ने कहा कि 100 नींबुओं का दम भरा है, थोड़ा नया वाला बिम्बार। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। एक भिख मंगा बाबूजी से मांगने लगा कि अल्लाह के नाम 10 रुपए दे दीजिए। और बाबूजी बोले कि हट्टा कट्टा है तुम्हारी देह, भिख मांगते हुए जरा शर्म कीजिए। अच्छा। और 10 के बदले में दूंगा 20 रुपए मैं तुम्हें, चलो मेरे घर और कुछ काम कीजिए। कि 10 के बदले में दूंगा 20 रुपए मैं तुम्हें, चलो मेरे घर और कुछ काम कीजिए। और उस भिखमंगे ने पलट के जवाब दिया, बैठो मेरे साथ रुपए 50 लीजिए। क्या बात है, क्या बात है। एक अंतिम छंद पढ़ता हूँ। स्वागत भैया। एक आदमी शराब के नशे में झूमते हुए जा रहा है और एक घटना घटती है, उस घटना का आनंद लीजिएगा। स्वागत है।
होली हुड़दंग में शराबी जा रहा था पिए, रंग बदरंग में अजीब होड़ देता है, और आगे बढ़कर टकराया एक भैंस से वो, माफ करना बहन जी हाथ जोड़ देता है। अच्छा। और फिर आगे एक मोटी महिला से टकराया, गिरा और बोतल वहीं पे तोड़ देता है, और आगे बढ़कर बोला जाने किसकी है भैंस, बांध के न रखता खुली ही छोड़। क्या बात है, वाह। तो आइए दोस्तों, ये थे संदीप अनुरागी जी, जिन्होंने हास्य की कविताएं पढ़ी, हमें हंसाया। मैं चाहता हूं कि मैं क्रम को आगे लेकर के चलूं, मैं चाहता हूं मैं अगले कवि की तरफ चलूं, और वो कवि हिंदी कविता में जो एक नई विधा आई प्रतिगीत, उसमें अपने अपनी कविताओं को लिखता है और सामाजिक व्यवस्थाओं पर व्यंग करता है, कटाक्ष करता है। आइए हम उत्कर्ष उत्तम जी से उनकी कुछ कविताएं सुनते हैं। उत्कर्ष उत्तम जी, माँ को नमन करता हूँ और भारत समाचार के सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूँ, और सीधे एक मुक्तक पढ़ता हूँ जहाँ से मैं अपने काव्य पाठ की शुरुआत करता हूँ। स्वागत है उत्कर्ष, पढ़िए। कि आसान सफर होता, ख्वाब आंख पलते हैं, आसान सफर होता, ख्वाब आंख पलते हैं, बाबा की दुआओं से बन के दीप जलते हैं, बाबा की। माता पिता पगरज को माथे से लगा उत्कर्ष, पहले नमन करते हैं तब कदम निकलते हैं। प्रतिगीत पढ़ता हूँ, एक एक प्रतिगीत से अपनी शुरुआत करता हूँ। स्वागत है उत्कर्ष। जब पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के हाथ केवल एक ही सीट लगी और जहां से मैं आता हूँ वहीं से एक सीट लगी, तब क्या कहते हैं जी कांग्रेस के अध्यक्ष, क्या कहते हैं अपनी मम्मी से? स्वागत है। वाह। कि माई रे माई, हाँ माई रे माई, तेरे से तेरा बोल रहा है लाला, माई रे माई, तेरे से तेरा बोल रहा है लाला, राय बरेली छोड़ के सारी यूपी से मुंह काला। टन 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 टन, समझा था कमजोर जिसे वो निकली तेज ईरानी। दर्द क्या है उनका? कि समझा था कमजोर जिसे वो निकली तेज ईरानी, बंधा है बोरिया बिस्तर अपना, चलो चले घर नानी। समझा था कमजोर जिसे वो निकली तेज ईरानी, बंधा है बोरिया बिस्तर अपना, चलो चले घर नानी। अब मन को है मार बैठना, अब मन को है मार बैठना, लगा जुबा में ताला, राय बरेली छोड़ के सारी यूपी से मुंह काला। और क्या कहते हैं? कि एक बात है तुमसे कहना, सुन लो मम्मी बहना, एक बात है तुमसे कहना, सुन लो मम्मी बहना, दूजा कोई अध्यक्ष है ढूंढो, मुझे नहीं है रहना। एक बात है तुमसे कहना, सुन लो मम्मी बहना, दूजा कोई अध्यक्ष है ढूंढो, मुझे नहीं है रहना। मुझको तेरी बहू है लाना, मुझको तेरी बहू है लाना, डाल गले वरमाला, राय बरेली छोड़ के सारी यूपी से मुंह काला। टन टन टन। और इन दिनों चालान बहुत चल रहा है, वहीं से एक और प्रतिगीत पढ़ता हूँ। स्वागत है भाई। कि हम लाए हैं चालान से गाड़ी निकाल के, क्या बात है, क्या बात है। हम लाए हैं चालान से गाड़ी निकाल के, जूता पहन हेलमेट लगा चलना संभाल के, हम लाए हैं चालान से गाड़ी निकाल के, जूता पहन हेलमेट लगा चलना संभाल के। कि मंदी का आया दौर है महंगाई बढ़ रही, मंदी का आया दौर है महंगाई बढ़ रही, रुपया गया धरातल कीमत है घट रही, उत्तर न कोई दे रहा जनता सवाल के, उत्तर न कोई दे रहा जनता सवाल के, हेलमेट लगा जूता पहन चलना संभाल के। क्या बात है, क्या हेलमेट लगा जूता पहन चलना संभाल के। तो आइए दोस्तों, ये थे उत्कर्ष उत्तम जी,
जिन्होंने चंद्रयान को नमन किया, जिन्होंने हास्य की बातें भी की और राजनीतिक व्यवस्थाओं पर भी कटाक्ष किए। हमारे बीच में मैंने जैसे पहले ही बताया कि उनके नाम में ही ठहाका है, तो वो ठहाके की बात करते हैं और हास्य की बात करते हैं। ऐसे ठहाका श्री अनिल वाके जी से, आइए हम उनकी कुछ रचनाएं सुनते हैं। भाई अनिल वाके जी, मैं सभी भारत समाचार दर्शकों को प्रणाम करता हूँ और कविवार को भी प्रणाम करता हूँ। मुझे ऐसा मौका मिला कविता पढ़ने का, चार पंक्तियाँ आपके स्वागत प्रस्तुत कर रहा हूँ कि आज मौसम बहुत विकट आया है और गरीबों का कट्टा टिकट आया है। अच्छा, आज मौसम बहुत विकट आया है और गरीबों का कट्टा टिकट आया है जी। और हंसना जरूरी है सेहत के लिए, हंसना जरूरी है सेहत के लिए, इसलिए बाके आपके निकट आया। हंसना जरूरी है, हंसना जरूरी है सेहत के लिए, इसलिए बाके आपके निकट आया है। और वे पानी की समस्या कुछ इस तरह सुलझाते हैं, वे पानी की समस्या कुछ इस तरह सुलझाते हैं, वो पीते वक्त जाम में पानी नहीं मिलाते हैं। क्या बात है, वे पानी की समस्या कुछ इस तरह सुलझाते हैं और पीते वक्त जाम में पानी नहीं मिलाते हैं। पिताजी पिताजी मेरे भविष्य के लिए खूब पीजिए, पिताजी पिताजी मेरे भविष्य के लिए खूब पीजिए, अरे जल्दी ये संसार छोड़िए, मुझको नौकरी दीजिए। क्या बात है, क्या बात है, वाह पिताजी, पिताजी मेरे भविष्य के लिए खूब, क्या भाषा है, वाह वाह, जल्दी ये संसार छोड़िए और मुझको नौकरी दीजिए। और देखिए मैं कुछ दोहे सुना रहा हूँ कि अफसर और अप्सरा दोनों एक ही जात, अफसर और अप्सरा दोनों एक ही जात, और पहले ये रसियात है पाछे है मुस्कान। अफसर और अप्सरा दोनों एक ही जात, और पहले ये रसियात है पाछे है मुस्कान। और रिश्ते में ससुराल की होती बात नवीन, रिश्ते में ससुराल की होती बात नवीन, और बीबी से होती अधिक साली में प्रोटीन। रिश्ते में ससुराल की होती बात नवीन, और बीबी से होती अधिक साली में प्रोटीन, और बीबी तो है लॉटरी और साली कूपन गिफ्ट। बीबी तो है लॉटरी और साली कूपन गिफ्ट, और ऊपर वाला खुश रहे मिलती ओपन लिफ्ट। बीबी तो है लॉटरी साली कूपन गिफ्ट, ऊपर वाला खुश रहे मिलती ओपन लिफ्ट। रोक सका कोई नहीं प्रेमी के जज्बात, रोक सका कोई नहीं प्रेमी के जज्बात। क्या बात, और फंटू से फंटा करें अपने दिल की बात। क्या बात, रोक सका कोई नहीं प्रेमी के जज्बात, और फंटू से फंटा करें अपने दिल की बात। और मैं एक कविता सुनाता हूँ छोटी सी। स्वागत है कि घर की मुर्गी दाल बराबर और बिगड़े जाते हाल बराबर, घर की मुर्गी दाल बराबर बिगड़े जाते हाल बराबर, और पानी आता नहीं नलों में बिल आता हर साल बराबर। क्या बात है, पानी आता नहीं नलों में बिल आता हर साल बराबर, और थोड़ी सी बारिश में भैया भर जाते घर ताल बराबर, थोड़ी सी बारिश में भैया भर जाते घर ताल बराबर, और दौरे चाहे कितने कर लो अफसर है बेहाल बराबर, दौरे चाहे कितने कर लो अफसर है बेहाल बराबर। महंगाई ने कमर तोड़ दी, महंगाई ने कमर तोड़ दी, और गलत नहीं है दाल बराबर, और प्रेमातुर पंछी फंसी जाते पड़ा न देखें जाल बराबर। प्रेमातुर पंछी, प्रेमातुर पंछी फंसी जाते और पड़ा न देखें जाल बराबर, और पूरे सफेद हो गए लेकिन पूरे सफेद हो गए लेकिन रंगे हैं काले बाल बराबर। क्या बात, पूरे सफेद हो गए लेकिन रंगे हैं काले बाल बराबर, और देखिए फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी किएरा हड़ताल बराबर। क्या बात है, फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी, फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी किएरा हड़ताल बराबर, और मंत्री और विधायक जी की पे बढ़ती हर साल बराबर। क्या बात, मंत्री और विधायक जी की पे बढ़ती हर साल बराबर, और बाके तो हैं हट्टे कट्टे खाते रहते माल बराबर। बाके तो हैं हट्टे कट्टे खाते रहते माल बराबर। तो आइए दोस्तों, ये थे अनिल वाके जी, जिन्होंने हास्य के साथ साथ सामाजिक विषयों पर भी, व्यवस्थाओं पर भी अपने कटाक्ष किए। मुझे चार पंक्तियां याद आती हैं कि अपने जख्मों को भी आईना बनाया हमने, आपको हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए, और इतना आसान नहीं खुद का तमाशा करना, कलेजा चाहिए दुनिया को हंसाने के लिए। मैं अगले क्रम की तरफ बढ़ता हूं। हमारे बीच में जिन्हें मैं कविता का चलता फिरता विश्वविद्यालय भी कह सकता हूं, उन्हें किसी विधा या किसी रस के बंधन में नहीं बांधा जा सकता, इसलिए मैं उनसे ये निवेदन करूंगा कि वो जो भी उचित समझे वो पढ़ें। आदरणीय कमलेश मृदु मौर्य जी हमारे बीच में, आइए हम उनकी कविताएं सुनते हैं। भारत समाचार, लाखों दर्शकों का परिवार, आप सबको कमलेश मौर्य मृदु का नमस्कार। हम सब कोई काम हो न हो हमेशा व्यस्त रहते हैं, कौन कहां व्यस्त है, कुछ पंक्तियां दे रहा हूं मैं। स्वागत है कि आका के कोई तलवे चाटने में व्यस्त है, आका के कोई तलवे चाटने में व्यस्त है,
करके समीक्षा को ही डांटने में व्यस्त है। बहुत समीक्षाएं हो रही है, परिणाम कुछ नहीं आ रहा है और अधिकारी भी इतने निरंकुश 90 अंश पे झुक के समीक्षा को स्वीकार कर लेते हैं, रवैया वही रहता है। सही बात है। आका के कोई तलवे चाटने में व्यस्त है, करके समीक्षा को ही डांटने में व्यस्त है, मृदु चोर और डकैत खुले घूम रहे हैं, मृदु चोर और डकैत खुले घूम रहे हैं, यूपी पुलिस चालान काटने और अगर किसी को अंडरलाइन ही कर ले तो सब कुछ होते हुए भी वो चालान आपका कट ही जाएगा। कि चोरी छिपे नहीं करके ऐलान करेंगे, चोरी छिपे नहीं करके ऐलान करेंगे, मनमानी भी करनी तो सीना तान करेंगे, मनमानी भी करनी तो सीना तान करेंगे, कागज है पूरे किंतु रखे पॉलीथीन में, कागज है किंतु कागज है पूरे किंतु रखे पॉलीथीन में, प्रतिबंधित पॉलीथीन है चालान, पॉलीथीन है चालान करेंगे। और देखिए एक और घटना हुई अभी, हमारा विक्रम बड़े साहस के साथ संपर्क भले ही टूट गया हो लेकिन अपने गंतव्य पर पहुंचा, संपर्क टूटा लेकिन हौसला नहीं टूटा वैज्ञानिकों का, तब उनको बधाई देता हूं चार पंक्तियों में। स्वागत है कि वैज्ञानिकों ने जो किया है श्रम को नमन है, वैज्ञानिकों ने जो किया उस श्रम को नमन है, इसरो के शौर्य और पराक्रम को नमन है, बात है वाह, इसरो के शौर्य और पराक्रम को नमन है, संपर्क भले टूटा मगर पहुंच तो गया, संपर्क भले टूटा मगर पहुंच तो गया, साहस प्रमाण साहस प्रणम में उसका है विक्रम को नमन है, क्या बात है, साहस प्रणम में उसका है विक्रम को नमन है, क्या बात है। और बताते को पहुंचते ही वहां पे वो लुढ़क गया, वो लुढ़का नहीं, जब संपर्क टूट गया कोई बताने वाला नहीं रह गया तो जो उसके संस्कार थे हमारी भारतीय जो परंपरा है उसका उसने पालन किया। जी स्वागत है। जिसको हम समझ रहे हैं कि वो लुढ़क गया, सब समझ रहे वह लुढ़क गया, सब समझ रहे वह लुढ़क गया, विक्रम ने जब अवतरण किया, चंद्रमा पर, सब समझ रहे वह लुढ़क गया, विक्रम ने जब अवतरण किया, अपनी परंपरा संस्कारों का विक्रम ने अनुकरण किया, विक्रम ने अनुकरण किया, करते हैं तो अपनी परंपरा संस्कारों का है विक्रम ने अनुकरण किया, तो करते हैं दंडवत देवों को, ये हमारी परंपरा है, क्या बात है, क्या बात, करते हैं दंडवत देवों को, पुरखों ने यही सिखाया है, तो चंद्रमा देवता है अपना, विक्रम ने झुक कर नमन किया, क्या तर्क है, विक्रम ने झुक कर नमन किया। और अगर उसको पहले से बताया गया होता, कुछ हमारी परंपराएं और हैं, हमें कहां नमन करना चाहिए कहां नहीं करना चाहिए, तो शायद ये गलती नहीं होती। जी, तो ये जी यदि रिश्ता भी बतला देते, यदि रिश्ता भी बतला देते, उससे गलती होती यूं ना, उससे गलती होती यूं ना, चंदा तो मामा लगता है, विक्रम तुम पैर नहीं छूना, चंदा तो मामा लगता है, विक्रम तुम पैर नहीं छूना, जिंदाबाद नहीं बताया गया, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। और जैसा हमारे वैज्ञानिकों ने कहा है 2021 में फिर पहुंचेंगे, हम वैज्ञानिकों को नमन करते हैं। और चार पंक्तियां हम थोड़ा चाहते हैं कि थोड़ी संवेदना की पंक्तियां पढ़ना चाहते हैं। स्वागत मैं तमाम लोगों ने माँ पे लिखा है, हम तो माँ की वंदना से ही, हम सब माँ के आशीर्वाद से ही कविता करते हैं, उन्हीं को नमन करते हुए काव्य पाठ करते हैं, लेकिन जब जब माँ पे लिखने का मैंने प्रयास किया मैं नहीं लिख सका। क्यों नहीं लिख सका, चार पंक्तियां पढ़ता हूं मैं। स्वागत है।
कि ईश्वर का रूप दूसरा, ईश्वर का रूप दूसरा या देवता लिखूं, ईश्वर का रूप दूसरा माखो या देवता लिखूं, हर मर्ज की दवा लिखूं या फिर दुआ लिखूं। क्या बात है, हर मर्ज की दवा लिखूं या फिर दुआ लिखूं, तो माँ पर मैं लिख सकूं मेरी सामर्थ्य है कहाँ, और जिस माँ ने मुझे खुद लिखा उस पर मैं क्या, क्या बात है, क्या बात, वाह 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 वाह, जिंदाबाद, क्या वाह 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 वाह। लेकिन मित्रों, माँ का ही एक रिश्ता है जो बिना किसी स्वार्थ का है, बाकी की जितने भी सारे संसार के रिश्ते हैं वो सब कहीं ना कहीं स्वार्थ में बने हुए हैं। सही बात है। चार पंक्तियां पढ़ता हूं, अगर इन पंक्तियों में आप सबको अपनी माँ की सूरत नजर आ जाए तो अपनी माँ के सम्मान में, अपनी माँ के समर्थन में तालियां बजा लेना। पंक्तियां पढ़ता हूं मैं। स्वागत है। कि दिन भर काम करके जो शाम को घर आए, पापा पूछते हैं आज दिन में कमाए क्या, दिन भर काम करके जो शाम को घर आए, पापा पूछते हैं आज दिन में कमाए क्या, और पत्नी हमारी हमसे ये पूछती है बोलो कमाई में से हमारे लिए हो बचाए क्या, और बच्चे हमको ही घेर कर पूछते पिताजी अरे बोलो 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 हो हमारे लिए लाए क्या, और किंतु माए पूछती है कुछ खाने को ले आऊं, दिन भर भूखे रहे हो या कुछ खाए क्या, आइए दोस्तों, ये थे आदरणीय कमलेश मृदु मौर्य जी, जिन्होंने हमें हंसाया भी और संदेश की बातें भी की, उन्होंने इसरो को भी प्रणाम किया, चंद्रयान मिशन पर भी बातें की, ट्रैफिक चालान जो हो रहे हैं उन्होंने उस पर भी बातें की। मैं चाहता हूं इसी के साथ हम इसे, मैं चार पंक्तियां पढ़ता हूं और विराम लेना चाहता हूं कि सितारों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हो तुम भी मुसाफिर हैं हम भी, इसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। दोस्तों इसी चैनल पर इसी समय देखते रहिए कविवार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।